Hello students, how are you all? I hope that all of you are good. So today we are going to discuss the question answers and rest of the exercise of the chapter Little Tiger, Big Tiger. Last class में हमने इस chapter को पढ़ा था और समझा था, तो आज हम इसके question answers और इसकी जो बाकी की exercise है वो करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं क्या है question answers के अंदर. तो सबसे पहला section है that is reading is fun. रीडिंग इज फन में बच्चों जो पहला क्वेश्चन है दैट इज टिक द राइट आंसर. तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और उसके साथ आपको हर क्वेश्चन के साथ आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. उन चार ऑप्शंस में से जो आपको करेक्ट आंसर है वो चूज करना है. ओके तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वेयर डिड मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव. तो जो मदर टाइगर थी और उसका बच्चा था वो कहाँ रहते थे. ऑप्शंस हैं नियर अ रिवर, नियर अ माउंटेन, नियर अ फॉरेस्ट और नियर अ सी. तो वो कहाँ रहते थे बच्चों, वो एक जंगल में रहते थे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियर अ फॉरेस्ट. सेकेंड, व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क. जब स्काई डार्क होता था यानी जब अंधेरा होता था तो मदर टाइगर क्या शिकार करने के लिए निकलती थी. ऑप्शंस हैं शीप एंड गोट्स, फिश एंड फ्रॉग्स, डियर एंड पिग एंड डंकी एंड हॉर्सेस. तो अगर आपको स्टोरी में याद हो तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है व्हेन द स्काई वाज डार्क द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग. तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी डियर एंड पिग्स. थर्ड है व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट. तो एक रात को टाइगर कब ने क्या पकड़ा था. तो क्या पकड़ा था टाइगर कब ने, ऑप्शंस हैं अ डियर, अ फ्रॉग, अ पिग और अ कैट. तो क्या पकड़ा था बच्चों उसने, अगर आपको याद है तो उसने जो है एक फ्रॉग को पकड़ा था. तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी. ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेज द फ्रॉग. तो जब लिटिल टाइगर कब ने फ्रॉग का पीछा किया तो क्या हुआ था, क्या हुआ था बच्चों, जब लिटिल टाइगर कब ने जो है फ्रॉग का पीछा किया था तो वो जंगल में गुम हो गया था, है ना. उसको अपनी मदर नहीं मिली थी ना, तो वो जंगल में गुम हो गया था और उसको एक बड़ा सा टाइगर जो है मिला था. तो मैंने ये आंसर लिख भी दिया है. तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन द लिटिल टाइगर कब चेज द फ्रॉग ही गेट लॉस्ट इन टू द जंगल एंड सॉ अ बिग टाइगर इन फ्रंट ऑफ हिम. वो जंगल में गुम हो गया था और उसको जो है अपने सामने एक बड़ा सा जो है टाइगर दिखाई दिया था. ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज पे आते हैं, दैट इज वर्ड बिल्डिंग. वर्ड बिल्डिंग में जो पहला क्वेश्चन है दैट इज मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो कॉलम्स नजर आ रहे हैं, है ना. तो फर्स्ट कॉलम में जो है आपको एनिमल का नाम दे रखा है और सेकंड कॉलम के अंदर आपको उनके यंग वन का नाम दे रखा है. यंग वन यानी उनके बच्चे. ठीक है, तो उसमें आपको इनके बच्चों का नाम दे रखा है. तो आपको क्या करना है, जिस भी एनिमल का जो बच्चा है उसके साथ उसको मैच करना है. ठीक है, तो फर्स्ट है हॉर्स. तो अब आप बच्चों बताओ, हॉर्स जो है उसके बच्चे को हम क्या बोलते हैं. हॉर्स के बच्चे को हम जो है कॉल्ट कहते हैं. तो यहाँ पे हम हॉर्स को किससे मैच कर देंगे, कॉल्ट से. ठीक है, नेक्स्ट इज डॉग. डॉग के बच्चे को हम क्या कहते हैं, डॉग के बच्चे को हम पपी कहते हैं. तो यहाँ पे डॉग को हम पपी से मैच कर देंगे. थर्ड है कैट. कैट के बच्चे को हम जो है किटन कहते हैं. तो कैट को हम किससे मैच कर देंगे, किटन से. फोर्थ है काऊ. काऊ के बच्चे को हम काफ कहते हैं. तो काऊ को हम किससे मैच कर देंगे, काफ से. नेक्स्ट इज पिग. पिग के बच्चे को हम पिगलेट कहते हैं. तो पिग को हम पिगलेट से मैच कर देंगे. टाइगर के बच्चे को अभी हमने स्टोरी में पढ़ा, क्या कहते हैं टाइगर के बच्चे को हम, टाइगर के बच्चे को हम कब कहते हैं. तो इसको हम कब से मैच कर देंगे. नेक्स्ट इज शीप. शीप के बच्चे को हम
लैम्ब कहते हैं, तो शीप को हम लैम्ब से मैच करेंगे। गोट, गोट के बच्चे को हम किड कहते हैं, तो हम इसको किड से मैच कर देंगे। और डक के बच्चे को हम डकलिंग कहते हैं, तो हम इसको डकलिंग से मैच कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए किस एनिमल के बच्चे को क्या कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है वर्ड गेम। कैन यू प्लेस दीज लेटर्स इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम्स ऑफ एनिमल्स। तो इसमें क्या क्या हुआ है, आपको जो है कुछ वर्ड्स को जंबल करके दे दिया गया है, यानी उल्टा सीधा करके दे दिया गया है, तो उन लेटर्स को यूज़ करके आपको सही जो है वर्ड बनाना है उससे। ठीक है, सही एनिमल बनाना है। ये जो जितने भी वर्ड्स आपको दे रखे हैं जंबल वर्ड्स, इसमें एनिमल्स के नाम हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, जैसे कि ए टी सी, तो इन तीन वर्ड्स को यूज करके आपको सही एनिमल बनाना है। तो ए टी सी से क्या बना, सी ए टी, तो ए टी सी से कैट बना, यानी हमने इनको सही ऑर्डर में रख दिया तो कैट बन गया। ऐसे ही आपको बाकी के जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, तो इनको सही ऑर्डर में रख के जो है, आपको इन लेटर्स को सही ऑर्डर में रख के आपको करेक्ट एनिमल जो है पता लगाना है। तो इससे आपका बनेगा, देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं, एस ई एम ओ यू, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, एम ओ यू एस ई, तो इससे क्या बन गया, माउस, माउस यानी चूहा, है ना। नेक्स्ट इज आर ई एस ओ एच, तो इन वर्ड्स को जब आप ठीक तरीके से लगाओगे तो आपसे बनेगा एच ओ आर एस ई, तो ये क्या बन गया, हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा। नेक्स्ट इज ओ आई एन एल, इनको जब आप करेक्ट करोगे तो आपसे बनेगा एल आई ओ एन यानी लायन। नेक्स्ट है पी ई एस एच ई, इनको जब आप करेक्ट ऑर्डर में लगाओगे तो क्या बनेगा, इनसे बनेगा एस एच ई ई पी यानी शीप। नेक्स्ट इज आर ई डी ई, आर ई डी ई को जब आप करेक्ट ऑर्डर में लगाओगे इन लेटर्स को तो बनेगा डियर यानी डी ई ई आर, ओके। नेक्स्ट इज एल यू बी एल, इनको जब आप करेक्ट ऑर्डर में लगाओगे तो आपसे बनेगा बी यू डबल एल, तो यानी बी यू एल एल से क्या बना, बुल। नेक्स्ट इज जी आई टी ई आर, तो जब इनको आप करेक्ट ऑर्डर में लगाओगे तो बनेगा टी आई जी ई आर, टी आई जी ई आर यानी टाइगर। नेक्स्ट इज एफ ओ एल डब्ल्यू, जब इनको आप करेक्ट ऑर्डर में लगाओगे तो क्या बनेगा, एफ ओ डब्ल्यू एल, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ओ डब्ल्यू एल यानी फाउल यानी एक बर्ड। ठीक है, अब थर्ड जो क्वेश्चन है, दैट इज The animals, birds in column A have to reach their homes in column B. Find out where they live. तो इस क्वेश्चन में आपको कॉलम ए के अंदर कोई भी एनिमल या बर्ड दे रखा है, ठीक है, और कॉलम बी के अंदर आपको उनके हाउस का नाम दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कॉलम ए के जो एनिमल या बर्ड है उसका जो भी हाउस है आप उससे उसको मैच करोगे। जैसे इन्होंने ये ब्लू आपको कॉलम दिखा रखा है ना, तो इस ब्लू कॉलम के अंदर इन्होंने टाइगर के हाउस को जो है मैच कर रखा है उसके हाउस से, तो टाइगर कहाँ रहता है, टाइगर डेन में रहता है, तो अ टाइगर लिव्स इन अ डेन। तो इसी तरीके से जो एनिमल जहाँ पे भी रहता है आप उसको उससे मैच कर दोगे, ओके। तो सबसे पहला एनिमल है दैट इज बी, बी कहाँ रहती है, बी जो है छत्ते में रहती है, मधुमक्खी कहाँ रहती है, अपने छत्ते में रहती है, ये आपको फोटो दिखाई दे रही है ना, तो ये मधुमक्खी का छत्ता है और उसको हम इंग्लिश में हाइव कहते हैं, तो बी को आप किससे लिख दोगे, हाइव से, अ बी लिव्स इन अ हाइव, ओके। नेक्स्ट इज एन एंट, एंट यानी चींटी, अब एंट कहाँ रहती है, चींटी कहाँ रहती है आपको दिखाई दे रहा है ना, मिट्टी में बना के छोटे छोटे से होल उसमें रहती है, तो उसको हम एंट हिल कहते हैं, तो एन एंट लिव्स इन अ एंट हिल, तो इसको आप एंट हिल से मैच कर दोगे। थर्ड इज डक, डक कहाँ रहती है, बत्तख कहाँ रहती है बच्चों, बत्तख जो है पॉन्ड में रहती है, ये पॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, तो अ डक लिव्स इन अ पॉन्ड, तो डक को आप पॉन्ड से जो है मैच कर दोगे, पॉन्ड यानी तालाब। नेक्स्ट इज अ रैबिट, रैबिट कहाँ रहता है, रैबिट अगर आपने देखा हो तो मिट्टी के अंदर जो है अपने घर बना के रखता है, ठीक है, तो अ रैबिट
लिव्स इन अ बरो, ठीक है। तो उसके जो मिट्टी के घर होते हैं, जो मिट्टी के नीचे वो रहता है, उसको हम कहते हैं बरो। तो अ रैबिट लिव्स इन अ बरो, तो उसको हम इससे मैच करेंगे। स्पाइडर जो है वो कहाँ रहती है? स्पाइडर यानी क्या होता है बच्चों? स्पाइडर यानी मकड़ी। मकड़ी जो है क्या करती है? जाले बनाती है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इस मकड़ी के जो जाले हैं उसको हम इंग्लिश में वेब कहते हैं। तो अ स्पाइडर लिव्स इन अ वेब। तो स्पाइडर कहाँ रहती है? वेब के अंदर। नेक्स्ट इज स्पैरो। स्पैरो क्या होती है? एक बर्ड होती है। तो बर्ड्स कहाँ रहती हैं? बर्ड्स रहती हैं घोंसलों के अंदर। तो अ स्पैरो लिव्स इन अ नेस्ट। ओके, तो ये थे एनिमल्स और उनके हाउसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज लेट्स राइट। लेट्स राइट में क्या है? नाउ राइट 6 sentences फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन इन एक्सरसाइज 3 ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग, ठीक है। एक्सरसाइज 3 जो हमने अभी दी थी, ये वाली एक्सरसाइज जिसमें एनिमल्स और उनके हाउसेस आपको दे रखे थे, तो इनको यूज करके आपको जो है 6 sentences बनाने हैं। आपको जो है एक एग्जाम्पल भी नीचे दे रखा है, और एग्जाम्पल क्या है? अ टाइगर लिव्स इन अ डेन। तो टाइगर कहाँ रहता है? टाइगर एक डेन में रहता है, ये एक सेंटेंस है। तो बाकी सेंटेंसेस आप कैसे बनाओगे? अ बी लिव्स इन अ हाइव, ओके। एन एंट लिव्स इन अ एंट हिल। अ डक लिव्स इन अ पॉन्ड। अ रैबिट लिव्स इन अ बरो। अ स्पाइडर लिव्स इन अ वेब। एंड अ स्पैरो लिव्स इन अ नेस्ट। ये आपके सेंटेंसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टॉक टाइम। टॉक टाइम में देखते हैं क्या है। द लिटिल टाइगर कब स्लिप्ड अवे व्हेन हिज मदर वॉज अस्लीप। तो जो लिटिल टाइगर कब है वो जो है धीरे से जो है कहीं चला गया था, जब उसकी मम्मा सो रही थी ना, तो उसका फायदा उठा के वो कहीं चला गया था। ही सून गॉट इन टू ट्रबल, और फिर वो फंस गया है ना। तो जब वो फ्रॉग का पीछे करते करते चला गया था, तो वो गुम हो गया था जंगल में। और जब वो गुम हो गया था तो उसको एक बड़ा सा शेर मिला था जो कि उसको खा जाता है ना। तो उसको बहुत ट्रबल में फंस गया था वो, ठीक है। तो टेल द क्लास अबाउट अ सिमिलर इंसिडेंट व्हेन यू डिड नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स एंड फाउंड योरसेल्फ इन ट्रबल। तो अब आपको अपनी क्लास में ऐसा ही एक भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी ऐसा वाक्य जो है डिस्कस करना है, जब आपने अपनी मम्मी पापा की जो है बात नहीं मानी और आप भी जो है ट्रबल में फंस गए थे, है ना। तो कोई भी इंसिडेंट यहाँ पे आप खुद से ही जो है लिखोगे, जब आपने कभी अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी और नहीं मानने का आपको नतीजा अच्छा नहीं मिला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज टीम टाइम। टीम टाइम में देखते हैं क्या है। मेक ग्रुप्स। वन पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप शुड एक्ट लाइक। तो आपको जो है ग्रुप बनाने हैं, और ग्रुप में आपको देखना है कि एक जो है उसमें से कोई भी एक पर्सन जो है मदर टाइगर का रोल करेगा, दूसरा जो है कब का रोल करेगा, तीसरा जो है मेल टाइगर जो वो आ गया था ना बड़ा सा टाइगर उसका रोल करेगा, चौथा जो है फ्रॉग का रोल करने वाला है, पांचवा बच्चा जो है सांभर या कक्कड़ डियर का रोल करेगा, और जो छठा बच्चा है वो लंगूर मंकी का रोल करेगा। तो इन सब का रोल प्ले करते हुए आपको जो है एक्ट करना है, ठीक है। तो ये आप अपने घर पे भी अपने भाई बहनों के साथ कर सकते हो, या फिर अपनी क्लास के अंदर जो है बच्चे एक छोटा सा ग्रुप बना लें और सोच लें कौन बच्चा किस तरीके से एक्ट करने वाला है, किसका रोल वो प्ले करने वाला है, ठीक है। तो आप इसको नाटक के फॉर्म में प्ले करोगे। नेक्स्ट इज से अलाउड। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो आपको बोलने हैं और इनका मीनिंग आपको समझना है। सबसे फर्स्ट वर्ड है दैट इज क्वाइट। बच्चों क्वाइट का मतलब होता है चुप, ठीक है। टीचर कहती है ना कीप क्वाइट इन द क्लास, क्लास में चुप रहो, तो ये वही क्वाइट है, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज क्वाइट, QUITE। तो यहाँ पे जो पहला क्वाइट था और दूसरा क्वाइट है उसमें हल्का सा डिफरेंस है, और वो हल्का सा डिफरेंस उसकी स्पेलिंग का है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? QUITE। तो ये वाला जो क्वाइट होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर एम्फसाइज करना, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला दिस स्टोरी इज क्वाइट गुड, तो मैंने गुड को एम्फसाइज करने के लिए यहाँ क्वाइट वर्ड यूज करा है, ठीक है। मतलब ठीक ठाक, फेयर। अगर मैं इंग्लिश में इसको बोलूँ तो क्वाइट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा फेयर, यानी ठीक ठाक, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वीन। क्वीन तो पता ही आप सबको, क्वीन का मतलब होता है रानी,
नेक्स्ट इज क्वरल। क्वरल का मतलब होता है झगड़ा करना, लड़ाई करना। बिलाव, बिलाव का मतलब जो होता है जोर से चिल्लाना। ठीक है, आपने स्टोरी में ही पढ़ा था कि एनिमल्स जो है बिलाव कर रहे थे। नेक्स्ट इज फेलो। फेलो का मतलब होता है आपके साथ वाला, जो सेम रैंक पे हो। जैसे आपकी क्लास के सभी बच्चे आपके क्या हैं? फेलो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जैसे एक टीचर जो है दूसरी टीचर की क्या होती है? फेलो होती है ना। तो आपके जो साथी होते हैं वो आपके क्या होते हैं? आपके फेलो होते हैं। तो उनके लिए हम फेलो वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो रैंक है, उनकी जो डेजिग्नेशन है, वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं बच्चा जो है टीचर को अपना फेलो कह रहा है। नहीं, टीचर का फेलो टीचर ही होगा, स्टूडेंट का फेलो स्टूडेंट ही होगा। ठीक है, एक कंपनी में काम करने वाला जो वर्कर है, उस वर्कर का फेलो वर्कर ही होगा, उस कंपनी का मालिक नहीं होगा, है ना। तो आपके साथ वाला जो होता है उसको हम कहते हैं फेलो। ठीक है, नेक्स्ट इज शैलो। शैलो का मतलब होता है बहुत गहरा नहीं, हल्का सा डीप। ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता, वो हल्का सा होता है। ठीक है, तो लिटिल डीप। नेक्स्ट इज स्वॉलो। स्वॉलो का मतलब होता है निगल जाना, किसी भी चीज़ को निगलना, इज कॉल्ड एज स्वेलो। नेक्स्ट इज बिग। बिग यानी बड़ा, बिगर। अब बिगर जो होता है ये दो लोगों में कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ दो लोगों को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अगर मैं दो बच्चों की बात करूँ, एक जो है छोटा है एक बड़ा है, तो मैं बड़े के लिए बोलूँगी ही इज बिगर। जैसे राम इज बिगर देन श्याम, राम जो है श्याम से बड़ा है। तो जब दो लोगों में कंपेयर करना है ना, तो ये ER वाली जो कैटेगरी आपको दिख रही है, तो हम वो यूज करते हैं। नेक्स्ट इज बिगेस्ट। बिगेस्ट के लिए जो है मतलब बहुत सारे लोग हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम बोलेंगे बिगेस्ट। यानी एक क्लास में जो है 10 बच्चे हैं, तो 10 में से अगर श्याम सबसे बड़ा है तो श्याम इज बिगेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, नेक्स्ट इज स्मॉल। स्मॉल यानी छोटा, अगेन स्मॉलर। यहाँ पे फिर से ER आ गया। ER किसके लिए हम यूज करते हैं? जब हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो राम इज स्मॉलर देन श्याम, राम जो है श्याम से छोटा है। नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट। यहाँ पे लास्ट में आपको EST दिख रहा है, तो EST अगर आ गया तो मतलब हम बहुत सारे लोगों में कंपेयर कर रहे हैं, तीन या तीन से ज़्यादा लोगों में कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे छोटा होगा, राम इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, है ना, उसको हम बोलेंगे। तो इनको हम डिग्रीज बोलते हैं। तो ठीक है, ये EST वाली यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। नेक्स्ट इज रिच। रिच यानी अमीर, रिचर। अगेन ER आ गया, तो मतलब दो लोगों में कंपेयर किया है, तो राम इज रिचर देन श्याम। ठीक है, और richest यानी तीन लोगों में या उससे ज्यादा लोगों में कंपेयर किया, तो जो सबसे अमीर होगा उसको हम बोलेंगे richest। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज पाउंड्स। पाउंड्स हमने स्टोरी में पढ़ा था। पाउंड्स का मतलब क्या बताया था मैंने? पाउंड्स का मतलब बताया था झपटा मारना। ठीक है, किसी चीज पर झपटना। ठीक है, नेक्स्ट इज बाउंस। बाउंस का मतलब होता है जैसे आप कोई बॉल फेंकते हो ना, तो वो बॉल बार बार अप एंड डाउन होती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं बाउंसिंग। ठीक है, अगेन एंड अगेन अप एंड डाउन होना, दैट इज कॉल्ड एज बाउंस। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, यानी आपको पहचानना है कि ये कौन है एनिमल्स। तो लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द क्लूज। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये 9 क्लूज आपको दिए हुए हैं। इन क्लूज की हेल्प से आपको ये पजल सॉल्व करनी है। ठीक है, इसको हम क्रॉसवर्ड पजल कहते हैं। ठीक है, इसमें से एक आपके लिए सॉल्व किया गया, जैसे फर्स्ट है। फर्स्ट में आई गिव यू वूल, मैं आपको जो है वूल देती हूँ, ऊन देती हूँ। ठीक है, रुई देती हूँ। तो कौन देता है आपको वूल? वूल हमें जो है यहाँ फर्स्ट आपको दिख रहा है ना, ये फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर आपको क्या दिखा? शीप दिख रहा है। तो यानी शीप इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वूल कौन देता है? वूल हमको शीप देती है। सेकंड इज आई ले एग। एग कौन देता है आपको? ये कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही है ना, इन पिक्चर्स में से एग कौन दे रहा है? यहाँ पे एक हेन बनी हुई है, तो ये हेन जो है एग देती है। सबको पता है मुर्गियां अंडे देती हैं, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज हेन। चेक कर लेते हैं सेकंड कहाँ पे है। सेकंड ये रहा, तो सेकंड के साथ एक वर्टिकल कॉलम बना हुआ है। बच्चों देखो, ऐसे जो होता है कॉलम उसको हम बोलते हैं वर्टिकल कॉलम, और ऐसे में जो कॉलम होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कॉलम। ठीक है, यानी लंबा जो होता है दैट इज वर्टिकल, और जो लेटा हुआ कॉलम होता है दैट इज कॉल्ड इज हॉरिजॉन्टल। तो हमने सेकंड में देखा था जो एग है वो कौन दे रहा था? हेन। तो देखते हैं, एच तो ऑलरेडी भरा हुआ है, यहाँ ई भर देंगे और यहाँ एन भर देंगे, तो बन गया
ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है क्योंकि तीन ही कॉलम हमें दिए हुए थे। थर्ड है आई गिव यू मिल्क। अब हमें इनमें से मिल्क कौन दे रहा है, यहाँ पे काउ बनी हुई है तो काउ हमें क्या देती है, मिल्क। यानी थर्ड जो भी कॉलम है हमें उसमें क्या भरना पड़ेगा, काउ। तो थर्ड कॉलम आप ढूंढिए, यहाँ पे थ्री कहाँ लिखा हुआ है, थ्री लिखा हुआ है यहाँ पे, और थ्री के साथ एक हॉरिजॉन्टल जो है कॉलम बना हुआ है तीन लेटर्स का, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, ओ जो है ऑलरेडी भरा हुआ है और यहाँ पे हो जाएगा काउ, तो यानी हमारा आंसर ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं, आई कैरी लोड्स, लोड यानी बोझ, तो मैं जो है बोझा उठाता हूँ, तो यहाँ बोझा किसके ऊपर रखा हुआ है, ये फोटो दिखाई दे रही है ना आपको, तो इस पिक्चर में इस एनिमल के ऊपर जो है बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बोझ रखा हुआ है, तो और ये एनिमल कौन है, ये है डंकी। तो हम देखते हैं डंकी कौन सा नंबर पे था, फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर यहाँ ढूंढो कहाँ है, ये रहा फोर्थ, और फोर्थ के साथ आपको जो कॉलम नजर आ रहा है वो एक हॉरिजॉन्टल कॉलम है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या भरोगे, डंकी, डी, ओ ऑलरेडी भरा हुआ है, एन के ई वाई, तो मतलब अगेन हमारा आंसर ठीक है, अगर कोई कॉलम छूट नहीं रहा है ना तो मतलब हम ठीक हैं। आई ने, तो जब हमने पिछले चैप्टर में डिफरेंट एनिमल्स की जो है वॉइस पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था कि ने जो वॉइस है, ने जो साउंड है वो किसकी होती है, वो होती है हॉर्स की, और इस पिक्चर में ये हॉर्स बना हुआ है, तो यहाँ पे फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, हॉर्स, ठीक है। तो फिफ्थ आप ढूंढिए कहाँ पे है, फिफ्थ ये है, और फिफ्थ के साथ जो है एक वर्टिकल कॉलम बना हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ आप क्या भर दोगे, हॉर्स, एच, ओ ऑलरेडी भरा हुआ है, आर, एस और ई ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है। आई एम मैन्स बेस्ट फ्रेंड, मैं जो हूँ मैन का सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन होता है आदमी का, डॉग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा डॉग, तो ये रहा सिक्स्थ, जिसमें कि एक वर्टिकल कॉलम आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ भर दोगे डी ओ जी। सेवेंथ है आई लिव इन अ स्टे, मैं एक स्टे में रहता हूँ, और स्टे में जो है ना पिग रहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर सेवेंथ का आंसर होना चाहिए पिग, तो देखो आप सेवेंथ कहाँ लिखा हुआ, और उसके साथ तीन जो है लेटर्स का एक वर्टिकल कॉलम है, तो उसमें आप भर दोगे पी आई जी। एट्थ है आई ब्लीट, तो बच्चों ब्लीट जो साउंड है वो भी हमने करी थी, ब्लीट साउंड किसकी थी, ब्लीट साउंड जो है इस पिक्चर में ढूंढो, ये गोट नजर आ रही है आपको, ठीक है, तो जो ब्लीट साउंड है वो किसकी थी, ब्लीट साउंड थी गोट की, ठीक है, तो जो एट्थ है उसका आंसर हो जाएगा गोट, तो यहाँ पे एट्थ के साथ आपको एक हॉरिजॉन्टल कॉलम नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा जी ओ ए ऑलरेडी भरा हुआ है और यहाँ टी। नाइन्थ है आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, मुझे जो है रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, और ये आप सबको पता है रेगिस्तान का जहाज कौन होता है, ऊंट, और ऊंट को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कैमल, तो नाइन्थ का आंसर होना चाहिए कैमल, तो ये रहा कैमल के लिए आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है जो कि वर्टिकल कॉलम है, तो यहाँ पे आप क्या भरोगे, कैमल, सी ए ऑलरेडी भरा हुआ है, एम ई ऑलरेडी हमने भर दिया था, और एल, तो उसका आंसर हो गया कैमल, ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये पजल सॉल्व हो गई है और आपका चैप्टर भी जो है फिनिश होता है। सो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ये चैप्टर अच्छे से, ठीक है, तो आप जो भी ये एनिमल्स और उनके यंग वंस हैं उनको अच्छे से याद कीजिए, और जो एनिमल्स जो हैं किस जगह पे रहते हैं, उनके घर को क्या कहते हैं, ये भी अच्छे से याद कीजिए, ओके बच्चों, ठीक है, बाय बाय।